इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ ऐसे तीन प्रॉब्लम जो कि आप इजीली फिक्स कर सकते हो एडोब प्रीमियम के अंदर। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है रेंडरिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जब भी आप फाइल को रेंडर करोगे ये ऑटोमेटिक स्टक मोड में चला जाता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम फिक्स करने वाले हैं वो है टाइमलाइन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जब भी आप वीडियो एडिट करते हो तो ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, फिर ये बफरिंग करने लगता है। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है एनकोडिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जब भी आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे इसके बाद जब भी एनकोडिंग मोड में जाएगा ये ऑटोमेटिक ही स्टॉप हो जाएगा। तो अभी देखोगे यहाँ पे नंबरिंग स्टार्टिंग है लेकिन फ्यू मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ही स्टक मोड में चला जाएगा। अगर आप 1 आवर ही वेट करोगे तभी ये वॉक नहीं करेगा। अगर आप इसमें से कोई प्रॉब्लम फिक्स करना चाहते हो तो आप इसको कैसे करोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आप कुछ ऐसे टॉपिक मिस कर जाते हो जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सभी का वेलकम करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। फाइनली चलिए मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एडोब प्रीमियम को ओपन करना है। आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे आपको नेम इंटर करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है ओके। फिर मैं यहाँ पे कुछ वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं सीक्वेंस के अंदर वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। जो फर्स्ट सोल्यूशन है यू एडिट फुल वीडियो। इसके बाद आपको टाइमलाइन में कोई प्रॉब्लम आता है और जो भी टाइमलाइन है उसमें मिनट और सेकेंड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है या फिर बफरिंग करता है, तो आपको क्या करना है। इसके लिए जाना है आपको सीक्वेंस पे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रेंडर इन टू आउट। जैसे आप क्लिक करोगे फिर आप देखोगे कि रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आप रिलैक्स होकर वीडियो को एडिट कर सकते हो। जो सेकेंड प्रॉब्लम फिक्स करने वाले हैं वो है रेंडरिंग प्रॉब्लम। अगर आपको रेंडर करते हुए कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे आप फिक्स करोगे। इसके लिए मैं जा रहा हूँ सीक्वेंस पे और आपको क्लिक करना है रेंडर इन टू आउट। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया। मान लो ये रेंडर फ्रेम ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है या फिर रेंडरिंग परसेंटेज ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना है। इसके लिए आपको क्लिक करना है फाइल पे, फिर आपको जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग और यहाँ से आपको क्लिक करना है जनरल और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। फिर आपको क्लिक करना है ओके। इसके बाद आप यहाँ से रेंडरिंग कर सकते हो। जब आप इतना कर लोगे फिर जो रेंडरिंग प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम था वो था एनकोडिंग। ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको सेकेंड वाला प्रोसेस कंप्लीट करना है। जब आपको वीडियो एडिट करना है तो इसके लिए आपको क्लिक करना है फाइल पे, फिर आपको जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग, देन आपको क्लिक करना है जनरल और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है मर्करी प्लेबैक इंजन GPU। इसको आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको ओके करना है। इसके बाद अगर आप इसको एडिट करते हो तो आपको बफरिंग कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं। मान लो आपने सारा वीडियो एडिट कर लिया तो आपको यहाँ से चेंज कर लेना है और आपको सेलेक्ट करना है मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली। फिर आप यहाँ से रेंडरिंग कर सकते हो। तो इसके लिए जाना सीक्वेंस पे, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेंडर इन टू आउट। जैसे क्लिक करोगे तो ये रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। चलिए फटाफट हम फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है फाइल में, फिर आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट और यहाँ से आपको जाना है मीडिया। इसके बाद जो भी आपको फाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड है H.264। इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो सबको आप अनचेक कर देना। इसके बाद आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे फिर आपका जो फाइल है बहुत फास्ट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस तब तक फॉलो करना है जब तक आपका प्रॉब्लम फिक्स ना हो जाए। अगर आप इस प्रकार से 10-20 फाइल एक्सपोर्ट करोगे तो ये जो प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा। गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइज, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे नए वीडियो में।